देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। पिछले खरीफ सीजन में गुलाबी सूंडी के कपास की फसल ने कहर ढाया था, जिससे उत्पादन में काफी गिरावट आई थी, जिसके चलते इस बार कपास का रकबा घट सकता है। जहां पानी की उपलब्धता नहीं होने के कारण किसानों के पास धान की फसल लगाने का विकल्प नहीं है, उन्हीं क्षेत्रों में कपास की बिजाई हो रही है। पिछले साल जींद जिले में करीब 65,000 हेक्टेयर में कपास की फसल थी, इस बार 10 से 15% तक कपास का रकबा घट सकता है। प्रदेश सरकार भूमिगत जल का दोहन रोकने के लिए कम सिंचाई वाली फसलों पर जोर दे रही है। इसके लिए धान की जगह कपास की फसल लगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही है। लेकिन कपास की फसल में हजारों रुपए के महंगे कीटनाशक स्प्रे करने के बावजूद गुलाबी सूंडी पर नियंत्रण नहीं पाने की वजह से इस बार किसान नरमा कपास की फसल की बिजाई से पीछे हट रहे हैं। नरमा कपास पर गुलाबी सूंडी का आक्रमण को देखते हुए सरकार देसी कपास की बिजाई करने के लिए किसानों को 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। लेकिन दिक्कत यह है कि मार्केट में देसी कपास का बीज नहीं मिल रहा है, वहीं देसी कपास का उत्पादन कम रहने के कारण भी किसान इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। किसानों के अनुसार जिंद मार्केट में केवल एक कंपनी का ही देसी बीज कुछ दुकानों पर अभी उपलब्ध है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।